एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 9 दैट इज मेंसुरेशन में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 117 पर गिवन है और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। ठीक है, आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दो क्यूब आपको गिवन है। पहला क्यूब है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, मींस ए की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ए क्यूब, ठीक है, ए की वैल्यू है 4, सो 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब मींस 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और यूनिट क्या होगी? तो साइड सेंटीमीटर में थी, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। सेकेंड, विथ साइड 1.5 मीटर, मींस ए की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, है ना, ए की वैल्यू है 1.5, तो इसका क्यूब कर देंगे। So, 1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? ठीक है, अभी आप पॉइंट्स को हटा दीजिए। पॉइंट्स को हटा के 15 × 15 × 15 कितना होता है? 15 × 15 = 225, और 225 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 5 = 25 कैरी आया 2, 5 × 2 = 10, 10 × 12 कैरी आया 1, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11, 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 5 × 7 = 33, तो कितना आ गया? 3375। अब आपको पॉइंट लगाना है, तो यहां देखिए कितने प्लेस पहले है, वन प्लेस पहले, तो आपको टोटल 3 प्लेस पहले डेसिमल लगा देना है, तो 1, 2, 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? ये साइड मीटर में थी, तो यूनिट होगी मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। अब इसी पेज नंबर 117 पर एक और ट्राई दिस प्रॉब्लम गिवन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। यहाँ पे आपको दो सिलेंडर गिवन है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको सिलेंडर ए बोल रही हूँ और इसको सिलेंडर बी बोल रही हूँ। सिलेंडर ए में क्या क्या गिवन है? तो ये देखिए रेडियस की वैल्यू गिवन है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मीन्स रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, कॉमा ये क्या गिवन है? तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये क्या है? ये हाइट ही है। ठीक है, अब चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर h, यही होता है। वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू है 10, सो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मीन 7 × 7 × 10, 7 × 7 = 7, सिंप्लीफाई हो गया, 22 × 7 करते हैं। ठीक है, 7 × 2 = 14 कैरी आया 1, 7 × 2 = 14 = 15, 154 और इंटू 10, तो 154 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1540 मींस 1540, और यूनिट क्या होगा? सबको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा यूनिट, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे थे वॉल्यूम। ओके, दिस इज आंसर। अब सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां पे गिवन क्या क्या है, तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है कितना? 2 मीटर, और आपको ये एरिया गिवन है, इतनी एरिया आपको गिवन है, ये कौन सी एरिया है? तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर शेप का ये मैंने बॉटल लिया है, देखिए दिस सपोज ये सिलेंडर है, तो ये वाली एरिया आपको गिवन है, ये नीचे वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस एरिया। ठीक है, और ये किस शेप में आपको दिख रहा है? तो सर्कल शेप में दिख रहा है, मीन्स ये सर्कल की एरिया है, और सर्कल की एरिया कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर होती है।
मींस ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, कितना 250 मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू गिवन है क्या, 250। आप यूनिट देख लीजिएगा, अगर यूनिट यहां पे देखिए मीटर स्क्वायर है, यहां भी मीटर में है, मतलब सही आपको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। सो 250 ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इंटू एच, एच की वैल्यू है 2, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 200, 25 10, कैरी आया 1, 22 4 1 5, यूनिट होगी मीटर क्यूब, क्योंकि यहां सब कुछ मीटर में था। दिस इज आंसर। ओके, होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।